good morning to all dear student we are doing chapter 6 leisure time activity in previous video i have explained to you about the reading reading is a leisure time activity that is quite popular among children as well as the elder it enhances knowledge and awareness after that i have explained a popular leisure time venue uh, फर्स्ट वन इज़ चौपाल अ मीटिंग प्लेस ऑफ विलेज द विलेज एल्डर एंड द पंच सिट हियर टू सॉल्व डिस्प्यूट और टू डिसकस दॉरी इशू रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द विलेज चौपाल द मीटिंग प्लेस वेयर पीपल सिट टू रीड न्यूज पेपर वॉच टेलीविजन शेयर दियर जॉयस एंड सॉरो एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल एक्सेट्रा तो कल हमने पढ़ा था कि जो पॉपुलर लेजर टाइम वेन्यू है उनमें से कौन सा फेवरेट है क्योंकि गांव में रहता है हमेशा विलेजेस में होता है वो चौपाल है जहाँ पर लोग एक साथ बैठते हैं डिस्कशन करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर और वो चाहे वो डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग हो किसी के साथ कोई सॉल्व करना हो किसी डिस्प्यूट को चाहे वो वेलफेयर के लिए हो गाँव के और साथ ही साथ वो वहाँ क्या कहते हैं बैठ कर न्यूज़ पेपर पढ़ना भी पसंद करते हैं चौपाल में लोग साथ में और टीवी देखना वॉच टेलीविजन देखना और अपने जो सुख दुख जो है जॉय एंड सॉर शेयर करते हैं और बहुत से जो है फेस्टिवल भी शेयर करते हैं नाउ अर्बन वेन्यूज़ अब अर्बन वेन्यूज़ कौन है जहाँ पर वेन्यूज़ कौन से हैं जहाँ पर लोग जो है लेज़र टाइम एक्टिविटी करते हैं और शेयर करते हैं अपने जॉयज़ एंड सॉर्स को इन सिटीज़ एंड टाउन मोस्ट पीपल गेट टूगेदर एट पार्क बैंकेट हॉल मार्केट प्लेसिस लाइब्ररीज कॉफी हाउसिस रेस्टोरेंट कम्युनिटी सेंटर एक्सेट्रा सो जो बैंकेट्स हॉल हैं पार्क है लाइब्रेरीज हैं कॉफी हाउस है रेस्टोरेंट है कम्युनिटी सर्विस सेंटर है तो वहाँ पर जितने भी जो शहर है और जो टाउन के लोग हैं वहाँ पर गेट टुगेदर करते हैं यानी कि जो उनका वेन्यू है मिलने की जगह कौन कौन सी है ये जितनी भी जगह मैंने भी आपको बताई है पार बैंकेट हॉल कॉफ़ी हाउस एक्सेट्रा द इम्पॉर्टेंट ओकेज़न फ़ॉर मीटिंग आर और जो इम्पोर्टेंट ओकेज़न है जहाँ पर वो मिलना पसंद करते हैं अर्बन एंड सिटी के लोग वो कौन से हैं वेडिंग फेस्टिवल सेलिब्रेशन किटी पार्टीज़ लेक्चर वर्कशॉप एक्जीबिशन्स पॉलिटिकल मीटिंग और जस्ट टुगेदर गेट टुगेदर ऑफ़ फ्रेंड्स एंड फैमिली कौन कौन से प्लेसेस हैं वेडिंग जहाँ पर लोग अपने आते हैं फैमिली मेंबर्स आते हैं वहाँ पर वो मिलते हैं सारे एक दूसरे के साथ फेस्ट, फेस्टिवल सेलिब्रेशन चाहे वो दिवाली है होली है उस पर इतनी भी फैमिली मेम्बर्स हैं जो दूर रहते हैं वो आते हैं मिलते हैं ठीक है वह बातें करते हैं किटी पार्टीज़ लेडीज़ किटीज़ पार्टी में जाती हैं वह मिलती हैं अपनी रेसिपीज़ शेयर करती हैं कुकिंग रेसिपीज शेयर करती हैं लेक्चर्स हैं वर्कशॉप्स हैंगज़िबिशंस हैं, हैं जहाँ पर लोग जाते हैं मिलते हैं एक दूसरे के साथ पॉलिटिकल मीटिंग है पॉलिटिकल मीटिंग्स में लोग जो लीडर्स हैं आते हैं और डिस्कशन करते हैं सॉल्व करते हैं डिस्प्यूट्स को और जो वेलफेयर के रिगार्डिंग जो सिटीज़ और टाउन के वेलफेयर विलेज के वेलफ़ेयर के रिगार्डिंग कोई भी डिस्कशन uh, होता है वो वहाँ पर होता है और साथ ही साथ कहाँ पर मिल मिलना पसंद करते हैं जस्ट गेट टुगेदर ऑफ़ फ्रेंड्स एंड फैमिली जहाँ पर सिर्फ उनके या तो अपने फ्रेंड्स के पास मिलने जाएंगे ठीक है या फिर फैमिली एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करती है ऑल दीज आर द अर्बन वेन्यूज दीज आर द पॉपुलर लीजर टाइम वेन्यूज पॉपुलर जहाँ पर लोग जाना पसंद करते हैं फ्री टाइम में और शेयर करते हैं दिय जॉयज एंड सोर मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल लेज़र टाइम एक्टिविटीज़ आर स्टिल फॉलोड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया एज ए एक्सप्लेन इन द प्रीवियस वीडियो बहुत सी ऐसी ट्रेडिशनल लीजर एक्टिविटी है जो कि आज भी इंडिया के कई जगह पर फॉलो की जाती हैं लाइक शतरंज हमने पढ़ा था बोर्ड गेम में शतरंज जो है ट्रेडिशनल लीजर एक्टिविटी था जो कि आज भी फॉलो की जाती है फिर डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स थे चाहे जूडो है कराटे हैं जो तो क्या न्यू फॉर्म्स हैं उससे पहले जो की आती थी मलखम वगैरह तो वो भी आज भी बहुत सी जगह पर इंडिया में जो है लीजर एक्टिविटी है फॉलो की जाती है बोट रेसिस हैं लाइक स्नैक बोट रेस जो कि ट्रेडिशनल है जो केरल में होती है तो उसको आज भी ये लोग फॉलो करते हैं फेस्टिवल में ड्यूरिंग फेस्टिवल इस एक्टिविटी को फॉलो करते हैं मैनी न्यू एक्टिविटीज़ हैज़ ऑल्सो बिकम पॉपुलर और बहुत सी ऐसी न्यू एक्टिविटी भी हैं जो कि आज के मॉडर्न टाइम में बहुत फॉलो की जाती है और पॉपुलर है एंड दे आर प्लेइंग स्क्वैश वॉलीबॉल्स बास्केटबॉल क्रिकेट हॉकी एरोबिक विजिटिंग आर्ट गैलरीज और लिसनिंग म्यूज़िक और कैरोके सो बहुत ऐसी पॉपुलर जो एक्टिविटीज़ हैं उनके नाम दिए गए यहाँ पर लाइक प्लेइंग स्क्वैश खेलना पसंद करते हैं फ़ुटबॉल खेलना बास्केटबॉल क्रिकेट हॉकी एरोबिक्स विजिटिंग गैलरीज लिसनिंग म्यूजिक एंड कारों की सो हियर वी हैव कंप्लीट दिस टॉपिक द पॉपुलर लीज अ टाइम वेन्यू इन विलेज द चौपाल इज द मीटिंग प्लेस ऑफ विलेजर एंड इन अर्बन एरिया देर आर डिफरेंट प्लेसिस where people like to meet now i will to the next topic sports as entertainment sports has to be entertainment because leisure time activities cricket hockey football volleyball polo badminton and archery boxing weightlifting are leisure time activity फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स सो बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए जो लीज़र टाइम एक्टिविटीज़ हैं वो कौन कौन सी है क्रिकेट खेलना हॉकी खेलना फ़ुटबॉल खेलना बैडमिंटन आर्चरी एक्सेट्रा सो so, लीज़र टाइम एक्टिविटी में आज मॉडर्न टाइम में बच्चों को बॉयज़ एंड गर्ल्स को ये इस सारी की सारी जो एक्टिविटी है इस्पोर्ट्स हैं पसंद होते हैं दे आर फन टू प्ले और उन्हें ये जो है कि उनको खेलते हुए बहुत मज़ा आता है वो इंजॉय करते हैं इसको वॉच और इवन लिसन टू द कमेंट्री और उन्हें साथ ही साथ देखना और जो है कमेंट्री को देखना और सुनना भी बहुत पसंद है जैसे क्रिकेट में कमेंट्री होती रहती है, है बोलते रहते हैं, हैं कितने रन बनाए हैं कितने पे आउट हो गया तो एक जो कमेंट्री है चाहे वो क्रिकेट के लिए हो फुटबॉल के लिए हॉकी के लिए तो उन्हें उसे देखना और सुनना भी बहुत पसंद है सम ऑफ दैम आर इंडिविजुअल गेम वेर एज अदर आर टीम गेम स्पोर्ट्स और बहुत सी ऐसी गेम हैं जो कि इंडिविजुअली खेली जाती हैं और बहुत सी ऐसी गेम हैं जो कि ग्रुप्स के साथ खेली जाती हैं। फॉर एक्ज़ाम्पल जो क्रिकेट है वो क्या है हमें बताया क्रिकेट है फुटबॉल है हॉकी है वो क्या है सारी की सारी गेम क्या है टीम गेम्स हैं ठीक है ठीके? और जो आर्चरी है वो क्या है इंडिविजअल गेम है बैडमिंटन आप इंडिविजुअली खेलते हैं ठीक है ना इसमें टीम के साथ हाँ भी खेला जाता है लेकिन क्या है दो लोग भी साथ में खेल सकते हैं पर अकेले भी खेल सकते हैं इस गेम को इन रिसेंट टाइम्स दे हैव बिकम करियर ऑप्शंस फॉर हु हैज अ कीन इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स एंड गेम और रिसेंट टाइम में क्या है जितनी भी ये पॉपुलर गेम्स हैं इनको एज ए करियर लोग पसंद करते हैं चूज़ करते हैं इतनी भी स्पोर्ट्स और गेम हैं एज ए करियर प्रेजेंट और मॉडर्न डे में डे में लोग चूज कर रहे हैं और स्पोर्ट पर्सन नीड्स टू हैव एंथज़म सेल्फ मोटिवेशन डिसिप्लिन फ़िजिकल स्टेमिना मेंटल अलर्टनेस एंड कॉन्फिडेंस टू फेस चैलेंज जो एक स्पोर्ट्स पर्सन होता है उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है एंथुजम की सेल्फ मोटिवेशन की जो अपना आपको मोटिवेट करता रहे डिसिप्लिन हो फिज़िकली स्टेमिना होना बहुत ज़रूरी है कोई भी गेम खेलने के लिए मेंटल अलर्टनेस ध्यान से खेलना ठीक है और कॉन्फिडेंस टू फेस द चैलेंज जितने भी चैलेंज गेम्स में उन्हें फेस करने पड़ रहे हैं उनको फेस करने का कॉन्फिडेंस होना भी बहुत ज़रूरी है टीम गेम टीच डिसिप्लिन हार्मनी एंड टीम स्पिरिट और जो टीम गेम है जो ग्रुप गेम्स हैं वो खेली जाती हैं जैसे क्रिकेट खेली जाती है उसके लिए हमें क्या सिखाती है वो डिसिप्लिन डिसिप्लिन रहना है हार्मनी यानी एक साथ मिलकर खेलना है पीसफुली और टीम स्पिरिट के जो हम टीम है एक साथ अगर हम खेलेंगे तो तभी हम जीतेंगे तो इंडिविजुअली ये गेम नहीं कि हमें सिर्फ अपने लिए इतना है पूरी टीम के लिए जीतना है सो डे स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर द डे टमोरो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस